सब्सक्राइब कीजिए क्वाइट ट्यूबर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल क्वाइट ट्यूबर में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं आज एक नया स्टॉक लेके आया हूँ। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के उसमें है। इसमें अगर आप लगभग 5 साल निवेश करते हो, 3 से लेके 5 साल तक, तो ये कम से कम 10 गुना तक आपको रिटर्न दे देगा। मेरा जो ये स्टॉक है उसका नाम है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। इसका करंट प्राइस है 43.65 रुपये और ये यहाँ से लगभग 470 रुपये, 465 रुपये के आसपास आपको दे देगा 5 साल के अंदर अंदर। इसके ये फंडामेंटल बहुत अच्छा स्टॉक है। आप इसकी डिलीवरी चेक कर सकते हैं। ये स्टॉक NSE और BSE दोनों ही एक्सचेंज में ट्रेड करता है। टेक्निकल परफॉर्मेंस इसकी 5 साल में 261%, 3 साल में 25%, 2 साल में 11%, 1 साल में 14%। इसके प्राइस लेवल 52 वीक लो 30.35 रुपये, 52 वीक हाई 49.25। इसका करंट LTP है 43.70, RSI ओवर अबाउट, फंडामेंटल इसके मार्केट कैप 2895 करोड़, EPS 3.93, PE रेशो 10.74, बुक वैल्यू 31.61, फेस वैल्यू 10। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, BPO सर्विस प्रोवाइड करती है IT सेक्टर में। इसकी प्रोफाइल देख लेते हैं एक बार। इनकॉर्पोरेटेड इन 2001। द कंपनी है जो ओवर 18,500 एम्प्लॉइज वर्किंग अक्रॉस 36 सेंटर्स लोकेटेड एट इंडिया, US, UK, अर्जेंटीना एंड फिलीपींस में है इसका बिजनेस। बहुत बड़ी कंपनी है। रिजल्ट इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। नेट सेल्स 872 करोड़ रुपए, नेट प्रॉफिट इसका 68.75 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.76, रिटर्न ऑन कैपिटल 13.92, फाइनेंशियल इसका बैलेंस शीट 2013 में 3372 करोड़, 2017 में 3142 करोड़, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका, प्रमोटर के पास 54% शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डर्स इसके झुंझुनवाला राकेश, ये देखिए शेयर मार्केट के सबसे बड़े निवेशक हैं। इनकी जो होल्डिंग है वो 2.71, 1,85,00,000 शेयर इन्होंने रखे हुए। ICICI बैंक 4.74, स्टैनबर्ग इंडिया एमर्जिंग फंड 2.64, काफ़ी अच्छे अच्छे फंड हाउस है। और झुंझुनवाला जी तो ऐसे उसमें स्टॉक में स्टॉक में पैसा लगाते हैं जो बहुत अच्छा स्टॉक हो और जिसमें आगे बहुत अच्छी ग्रोथ हो।
तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह के बाद ही इसमें निवेश करें। आप अपने आप खुद भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।